हेलो एवरीवन आज हम करने जा रहे हैं पार्ट फाइव ऑफ सीपीसी पी सी द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 का ठीक है स्पेशल स्पेशल प्रोसीडिंग्स में हम लोग डिस्कस करेंगे आर्बिट्रेशन स्पेशल केसेस और फिर दूसरे केसेस जो कि पब्लिक को अफेक्ट करते हैं ठीक है थीके? कैसे एक है आर्बिट्रेशन ये पार्ट ए है देन इसके बाद पार्ट बी में स्पेशल केसेज हैं देन पार्ट सी में है एफेक्टिंग पब्लिक से रिलेटेड ठीक है ये सेक्शन 89 से लेकर के 93 तक कवर करता है और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको याद करने वाला होगा वो होगा सेक्शन नंबर 89 अब हम चलते हैं इसके ट्रिक्स पे सेक्शन नंबर 89 में बात होती है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट ठीक है कोर्ट के आउटसाइड जो डिस्प्यूट होते हैं उसके सेटलमेंट से रिलेटेड यानी कि आर्बिट्रेशन से रिलेटेड ठीक है अब इसमें ये देखो डायग्राम बनाया ये कोर्ट है आउटसाइड द कोर्ट क्या हो रहा है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट हो रहा है नेक्स्ट इसके बाद आता है सेक्शन नंबर नाइनटीन सेक्शन नंबर नाइनटीन में बात हो रही है पावर टू स्टेट केस फॉर ओपिनियन ऑफ कोर्ट ठीक है किस चीज के लिए ये कोर्ट है ये जज है ये क्या है उनका ओपिनियन लिया जा रहा है ठीक है पावर टू स्टेट केस फॉर ओपिनियन ऑफ कोर्ट नेक्स्ट इसके बाद आता है अफेक्टिंग पब्लिक से रिलेटेड क्या है एफेक्टिंग पब्लिक से रिलेटेड पब्लिक न्यूसेंस एंड अदर रॉन्गफुल एक्ट इफेक्टिंग द पब्लिक ठीक है जिसमें सबसे पहले आता है सेक्शन नंबर नाइनटी वन सेक्शन नंबर नाइनटी वन बात करता है पब्लिक न्यूसेंस एन अदर रॉन्गफुल एक्ट इफेक्टिंग द पब्लिक ठीक है न्यूसें है क्या पब्लिक है इसमें क्या है? Nuisance हो रहा है न्यूसेंस हो रहा है रॉन्गफुल एक्ट हो रहा है जो क्या कर रहा है इफेक्ट कर रहा है पब्लिक को देन इसके बाद आता है सेक्शन नंबर नाइनटी टू सेक्शन नंबर नाइनटी टू बात करता है पब्लिक चैरिटी से रिलेटेड इसको बहुत ज्यादा ये है पब्लिक चैरिटी से रिलेटेड इसको बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे जितना इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इसके बाद है सेक्शन नंबर 93 ठीक है सेक्शन नंबर 93 है एक्सरसाइज ऑफ पावर्स ऑफ एडवोकेट्स जनरल आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन बस इतना ही है एडवोकेट जनरल से रिलेटेड है सेक्शन नंबर 93 तो so, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 89 चलिए करते हैं हम इसके बेर्ट के प्रोविजंस को सेक्शन नंबर 89 बात करता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट अब देखो जहां पे अपीयर होता है कि देखो कोर्ट को जहां पे लगता है कि यहाँ पे एलिमेंट्स है सेटलमेंट के ठीक है जरूरी नहीं है तुम दोनों पार्टीज में से एक पार्टी को दुखी करके कुछ करो सेटल कर दो चीजें ठीक है सेटल फिर इसके बाद विच में भी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज एक ऐसा सेटलमेंट जो कि एक्सेप्टेबल है पार्टीज के तो कोर्ट क्या करेगा फॉर्मुलेट करेगा उसके टर्म्स ठीक है और फिर इसके बाद कोर्ट फॉर्मुलेट करने के बाद क्या करेगा रिफर कर देगा टू आर्बिट्रेशन आर्बिट्रेशन कंसिलियन मीडिएशन हमें पता ही है और इसका थर्ड पार्ट क्या है जुडिशियल सेटलमेंट इंक्लूडिंग सेटलमेंट थ्रू लोक अदालत ठीक है, लोक अदालत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है Constitution में हम इसे सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं इसके बाद है डिस्प्यूट बिन रिफर्ड अब देखो आर्बिट्रेशन और कंसिलियन से रिलेटेड कहां एक्ट में नेक्स्ट इसके बाद क्या है लोक अदालत से रिलेटेड है तो क्या है कोर्ट शैल रिफर द सेम टू लोक अदालत इन अकॉर्डेंसेंटी ऑफ लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट ठीक है कौन सा सेक्शन सेक्शन नंबर ट्वेंटी ऑफ द लीगल सर्विस सर्विस अथॉरिटी एक्ट देन इसके बाद आता है जुडिशियल सेटलमेंट ये भी लोग अदालत से रिलेटेड है ठीक है और इसके बाद आता है मीडिएशन मीडिएशन क्या है द कोर्स इफेक्ट अम्प्रोमाइज ठीक है मीडिएशन का मतलब क्या होता है कॉम्प्रोमाइज होगा

ठीक है इंस्टीट्यूट आप किस कौन इंस्टीट्यूट करेगा बाई एडवोकेट जनरल सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन पर्सन है एडवोकेट जनरल है नेक्स्ट क्या है विद द लीव ऑफ द कोर्ट ठीक है किसके लीव से विद द लीव ऑफ द कोर्ट बाई टू और मोर पर्सन पर्सन इवन दो नो स्पेशल डैमेज हैज कॉज टू सच सच रीजन ऑफ पब्लिक न्यूसेंस और अदर रॉन्गफुल एक्ट क्या है पहला एडवोकेट जनरल दूसरा क्या है एडवोकेट जनरल एक बार देख लो कैसे किया था हमने एडवोकेट जनरल हमने ये बनाया था एडवोकेट जनरल ठीक है लास्ट में हम लोग एडवोकेट जनरल से रिलेटेड प्रोविजन को डील करेंगे तो इसमें क्या है एडवोकेट जनरल दूसरा लीव ऑफ़ द कोर्ट नेक्स्ट क्या है? नथिंग इन सेक्शन शैल बी डीम टू लिमिट और एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली अराइज होती है सेक्शन नंबर नाइनटी टू इसमें ऊपर क्या था पब्लिक uh, देखो पब्लिक से रिलेटेड न्यूसेंस और एक्ट अब क्या है पब्लिक का पैसा पब्लिक चैरिटीज अब इसमें क्या है इन द केस ऑफ एनी अलिस्ट ब्रीच ऑफ एनी एक्सप्रेस और कंस्ट्रक्टिव ट्रस्ट क्रिएटेड फॉर पब्लिक पर्पज क्या है कोई ट्रस्ट क्रिएट किया गया है पब्लिक पर्पज के लिए ऑफ अर चैरिटेबल और रिलीजियस नेचर और वेर द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट इज डीम्ड नेसेसरी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एन रिसर्च ट्रस्ट तो क्या होगा एडवोकेट जनरल या फिर टू और मोर पर्सन है ट्रस्ट एंड है लीव ऑफ द कोर्ट या तो इधर भी क्या होगा एडवोकेट जनरल या फिर लीव ऑफ द कोर्ट में इंस्टीट्यूट एट वेदर कंटेंशियस और नॉट इन द प्रिपल सिविल कोर्ट ऑफ द ओरिजिनल जो रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे करेंगे ओरिजिनल जो रिस्ट्रिक्शन ठीक है और इन एनी अदर कोर्ट जो भी इनपावर्ड होगा फिर इसके बाद क्या है द होल और एनी पार्ट ऑफ द देखो इसमें आगे रिमूविंग एनी ट्रस्टी क्या क्या प्रोविजन होते हैं वो रिलेटेड है ये बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है दूसरे पेज में भी यही सब है तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हम इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं सेक्शन नंबर क्या आता है नेक्स्ट 93 थ्री बात करता है एक्सरसाइज ऑफ पावर्स ऑफ एडवोकेट जनरल आउटसाइड प्रेसिडेंसी टाउन कहाँ पे है एक्सरसाइज ऑफ एडवोकेट जनरल की पावर प्रेसिडेंसी टाउन के बाहर अब देखो पावर कन्फर्ड बाई सेक्शन नाइन्टी वन नाइन टू नाइनटी वन नाइनटी टू में किस पे पावर कन्फर्ड है एडवोकेट जनरल ठीक है में आउटसाइड द प्रेसिडेंसी टाउन बी विद प्रीवियस द स्टेट गवर्नमेंट एक्सरसाइज ऑल्सो बाई द कलेक्टर ठीक है ये जो पावर है कौन एक्सरसाइज कर सकता है कलेक्टर भी कर सकता है और बाय ऑफिसर एज द स्टेट गवर्नमेंट मे अपॉइंट इन दिस बिहार कौन कर सकता है ठीक है तुमने एडवोकेट जनरल को पावर दे दी बट वो एक्सक्लूसिव नहीं है स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है किसी और को भी दे सकता है अब हम चलते हैं पार्ट सिक्स पे पार्ट सिक्स जो की बात करते हैं सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स इसके हम एक बार बस ट्रिक्स देख लेते हैं हालांकि कुछ एस सच मैंने ट्रिक्स बनाई नहीं है इस पे ठीक है बस इसमें ये चीज है देखिए सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग सेक्शन 94 में सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स की बात कर दी गई है और 95 में है कॉम्पनसेशन कॉम्पन्शन कैसे तुमने इन सफिशेंट ग्राउंड से किसी से क्या कर दिया सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स यानी कि इंजेंशन वगैरह मांग लिया है ठीक है अब हम चलते हैं इसके बेरिट के प्रोविजन पे देखो ये जो सप्लीमेंटल प्रोसीडिंगस हैं ये सिर्फ इन से, इस सेक्शन में नहीं बल्कि ऑर्डर्स में भी डील की गई हैं जो कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लिया है ठीक है इसमें क्या है इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द एंड्स ऑफ जस्टिस पर्पस क्या है सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स का जुडी जस्टिस है ठीक है क्या है एंड्स ऑफ जस्टिस एंड्स ऑफ जस्टिस पाने के लिए फ्रॉम बींग डिफीटेड द द कोर्ट में इफ इट इज सो प्रिस्क्राइब तो कोर्ट क्या क्या करेगा सबसे पहले क्या करेगा वारंट इशू कर सकता है अरेस्ट के लिए ठीक है डिफेंडेंट एंड ब्रिंग हिम बिफोर द कोर्ट टू शो कॉज वाई यू शुड नॉट गिव सिक्योरिटी फॉर द पेरेंट्स एंड इफ इज फेल्स टू कंप्लाई विद्योरिटी कमिटी टू सिविल प्रिजन इसका पर्पज क्या है कि अरेस्ट करके उसे अपने सामने ले आओ अरे मान लो तुम तुम्हें पता चल गया कि उस बंदे की गलती है पर अब वो भाग गया तो तो क्या करोगे इसलिए उससे क्या है सिक्योरिटी ले लो ताकि वो प्रेजेंट हो जाए नेक्स्ट क्या है डायरेक्ट द डिफेंडेंट टू फर्निश सिक्योरिटी टू प्रोड्यूस एनी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू हिम एंड टू प्लेस द सेम एट द डिस्पोजल ऑफ द कोर्ट ठीक है मान लो उस इंसान की गलती है पता चल गया कि उससे क्या है तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए कोर्ट को एज अ कॉम्पेंसेशन प्रॉपर्टी चाहिए पर क्या है कि उस इंसान ने अपनी प्रॉपर्टी ही कहीं और डिस्पोज कर दी है तो उससे रिलेटेड भी क्या चाहिए सिक्योरिटी ये दोनों कौन से ऑर्डर में डील होते हैं ऑर्डर नंबर थर्टी एट ठीक है नेक्स्ट इसके बाद आते हैं ग्रांड टेम्परेरी इंजंक्शन एंड इन केस ऑफ डिसोबीडियंस कमिट द पर्सन गिल्टी देयर ऑफ टू द सिविल प्रिजन एन ऑर्डर दैट हिज प्रॉपर्टी बी अटैच एंड सोल्ड ठीक है क्या है टेम्परेरी इंजंक्शन से रिलेटेड है ये कौन से ऑर्डर में डील किया गया है ये ऑर्डर डील किया गया है ऑर्डर नंबर थर्टी नाइन देन इसके बाद हम ये इसके बाद सी के बाद हम ई में आते हैं क्योंकि ये भी ऑर्डर नंबर थर्टी नाइन में डील किया गया है टेम्परेरी इंजंक्शन और इंटरलोकेटरी ऑर्डर ठीक है ए पार्ट ये है ये है बी पार्ट इसमें क्या है मेक सच अदर इंटरलोट्रर्डर एज में अपेयर टू द कोर्ट टू बस्ट एंड कन्वीनियंट इंटरलॉकेट्री ऑर्डर कहते हैं यही होते हैं सप्लीमेंटरी प्रोसीडिंग टाइप ही होते हैं फिर इसके बाद आते हैं डिपोशन में क्योंकि ऑर्डर नंबर फोर्टी में डील किया गया है अपॉइंट रिसीवर अब तुम प्रॉपर्टी ले लोगे कुछ कुछ कर दोगे तो उसके लिए क्या चाहिए आपको एक रिसीवर अपॉइंट करना चाहिए ऑफ एनी प्रॉपर्टी एंड एनफोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ हिस्यूटीज बाई अटैचिंग एंड सेलिंग हिज प्रॉपर्टी ठीक है उसकी ड्यूटी क्या होगी अटैच सेल याड या जो भी चीजें होती है रिसीवर काम करता है Then, इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 95 जो कि लास्ट सेक्शन है इस पोर्शन का इसमें है, arrest, क्या चाहिए ग्राउंड क्यों चाहिए अरे तुमने गलत ग्राउंड्स ये सब बता करके हमारी प्रॉपर्टी अटैच करवा दिया मुझे अरेस्ट करवा दिया इंजंक्शन करवा दिया मेरा काम रुक गया इसलिए मुझे क्या चाहिए कॉम्पनसेशन चाहिए कितना कॉम्पनशन चाहिए पचास हजार तक का ठीक है अब देखो वेर इन एनी सूट इन विच एन अरेस्ट और अटैचमेंट Has been affected or temporary injunction granted in the last proceeding session. इट अपियर्स टू द कोर्ट दैट सच अरेस्ट अटैचमेंट और इंजंक्शन वॉज अपलाइड फॉर एन इफिशियंट ग्राउंड पहला तो क्या है दिखता है कि इनसफिशियंट ग्राउंड है दूसरा क्या है प्लेन टिफी फेल कर जाता है एंड इट अपियस टू द कोर्ट दट देर वॉज नो रीजनेबल और प्रोबेबल ग्राउंड फॉर इंस्टीट्यूटिंग द सेम ठीक है पहला क्या है इनसफिशियंट ग्राउंड था कोर्ट को ऐसा लगता है दूसरा क्या प्लेन टिफ फेल कर जाता है और फिर बाद में कोर्ट को ऐसा लगता है अरे ये तो कोई ग्राउंड ही नहीं था तो डिफेंडेंट को क्या करना पड़ेगा अप्लाई करना पड़ेगा कोर्ट इतना अच्छा नहीं है कि वो खुद से कर दे डिफेंडेंट में अप्लाई टू द कोर्ट

Order such shall bar any suit. बार कर देगा क्या किसी भी सूट को फॉर कॉम्पनसेशन कोई भी सूट तुम कॉम्पनसेशन से रिलेटेड तुम बार कर सकते हो इसमें बार हो जाएगा क्यों रेस्ट ज्योडी काटा सिंपल है और कुछ नहीं है ठीक है तो उसी के साथ हमारा ये जो पार्ट सिक्स है प्लस हमारा जो पार्ट फाइव है वो कंप्लीट होता है आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ हेल्प मी टू ग्रो दिस चैनल बाय सब्सक्राइबिंग इट एंड शेयरिंग इट थैंक यू